अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम कश्मीरी पुलाव बना रहे हैं। 1 किलो चिकन है ये, इसको धो के साफ करके लिए हैं। इसका पानी पूरा छान के रख, 1 घंटा पहले धो के छान के पानी लिए। और ये 9-10 प्याज है, इसको अच्छे से चॉप करके लिए। ये 1/2 किलो दही है, ये दही रायते में भी जाएगा और पुलाव में भी जाएगा। और इसमें से घी जाएगा, इसमें से तेल भी जाएगा। खाली घी में बनाएंगे ना, असली घी में तो और स्वाद आएगा। 2 चम्मच घी डालेंगे और 2 चम्मच तेल डालेंगे। आपको खाली घी में बनाने का है तो घी में बनाओ, असली घी में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। ये 1 लीटर पानी जाएगा। चावल है, ये चावल है, 2 कप भर के चावल है। ये 2 कप भर के ये चावल है, इसको 1 घंटा पहले भिगाए थे, अभी धो के छाने और इधर रखे। ये रायते की चटनी के लिए है, ये कोथमीर है, ये पुदीना है। ये आपको चाहिए वो हिसाब से मिर्ची ले लो। हमने इसमें से 8-10 मिर्ची लिए हैं चटनी के लिए। ये मिर्ची है और ये 1.5 लहसुन 2 लहसुन है साफ करके लिए। और 1 चम्मच जीरा है, इसको पीसने का रायता बनाने के लिए। ये देखो, ये खड़ा गरम मसाला है, पूरा सब गरम मसाला है। इसमें से आधा ये करने के लिए, मेरिनेट करने के लिए रखेंगे, और आधा बघार देने के लिए। और ये जीरा भी, इसमें जीरे से बघार देंगे। 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला चिकन मसाला पाउडर है। और ये करने के लिए, इसमें डालने के लिए पुदीना और कोथमीर है। और ये मिर्ची है, इसमें से लाल पाउडर। अब मिर्ची की आपको डालना ही डालो, हम नहीं डालेंगे, हम ये हरी मिर्ची यूज़ करेंगे। ये कचुम्बर के लिए टमाटर है और ये कांदा है। ये लहसुन, 1 चम्मच अदरक लहसुन है चिकन में डालने। और 1 चम्मच है मैरिनेट करने के लिए, ये बघार देने के लिए। और ये चिकन में डाल के मिक्स करने के लिए, और ये कांदे है, 4-5 कांदे को हम ऐसे हिस्सा करके लिए, गार्निश करने के लिए। अभी हम बनाने ले रहे हैं। तेल डाले, अभी घी डाल रहे। ये देखो, ये है ना, पीस के लाए हैं। अभी जो आपको बताए रायते की चटनी के लिए, वो पीस के लाए। ये चिकन है, ये चिकन में 1/2 नमक डालेंगे और इसमें से अभी दही डालेंगे। ये 1/2 किलो है, ये इसके लिए भी, रायते के लिए भी और इसमें डालने के लिए भी। ये इसमें डालने के लिए मिक्स करेंगे इसमें। ये कोथमीर पुदीना है, ये मिर्ची डालेंगे इसमें। ये देखो, 1/2 गरम मसाला इसमें डालेंगे, जावित्री है ना, आधी इसमें डालेंगे, आधी इसमें डालेंगे। मिक्स करेंगे। अभी चम्मच से मिक्स करूं कि हाथ से? हाथ से। हाँ देखो, अभी हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्रिज में 1 घंटा रखेंगे। ये देखो, ये मिक्स हो गया, अभी 1 घंटा फ्रिज में रखेंगे। ये देखो, तेल और घी डाले, अभी ये इसमें कांदा डाल रहे और नमक डाल रहे, और इसका कलर बदली होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखो, नमक डाल रहे, अभी कलर बदली होने तक इसको फ्राई करेंगे। कांदा हो गया, अभी जीरा डालेंगे और जीरे को भुनेंगे अच्छे से, फिर खड़ा गरम मसाला पूरा डालेंगे। ये देखो, पूरा गरम मसाला डालेंगे और इसको भी भुनेंगे अच्छे से। ये देखो, अदरक लहसुन डाले। हाँ, 1 चम्मच उसमें डालें चिकन में, और 1 चम्मच इसमें डालें अदरक लहसुन। ये थोड़ा पुदीना डालेंगे, थोड़ी कोथमीर डालेंगे, धनिया डालेंगे और गरम मसाला पाउडर डालेंगे। रायते के लिए चटनी पीसे थे ना, तो इसमें से 2 चम्मच डालेंगे। आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो ज़्यादा डालें।
इसको भी अच्छे से भूनेंगे। ये देखो अभी ये एक घंटा हो गया, फिर इससे निकाले इसको, अभी इसमें डाले, अभी इसको अच्छे से जरा भूनेंगे। ये देखो अच्छे से मसाले में अच्छे से भूनेंगे इसको। देखो भून के हो गया, अब इसमें चावल डाल के भूनेंगे। ये देखो चावल को अच्छे से भूनेंगे, ये अपने मसाले में दही में अंदर तक उसका स्वाद जाने के लिए। बहुत अच्छा स्वाद, बहुत टेस्टी लगता है, ऐसा बनाओ खाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अभी इसके अंदर भूनने के बाद पानी डालेंगे। ये देखो 1 लीटर पानी है, अभी इसको मिक्स करेंगे। एकदम फर्स्ट क्लास लगता है, और हमने आपको बताए नहीं, अजीनोमोटो भूल गए थे, थोड़ा आधा चम्मच डालेंगे। ये देखो थोड़ा सा आधा चम्मच डालेंगे, इससे और टेस्टी बन जाता है। आपको चाहिए तो डालो, आपको चाहिए मत डालो। ये देखिए ऐसा चम्मच लगाएंगे, ऐसा चम्मच मारेंगे। हाँ अभी इसको सूखने के लिए टाइम है, जब तक हम रायता बना रहे। रायता बनाने के लिए देखो ये कांदा है, ये टमाटर है, और इसमें नमक लेंगे आधा चम्मच। नमक लेंगे, ये देखो इसमें से ये चटनी लेंगे, आपको जितनी चाहिए उतनी लो। अभी इसको मिक्स करेंगे। और ये पुदीना और कोथमीर लेंगे। अभी मिक्स हो गया, अभी इसमें ये दही डालेंगे। देखने का कितना लगता है, उतना डालेंगे। ये कांदा टमाटर अपना अंदर डूबना मांगता, ऐसा दही डालने का रायता बनाने के लिए। ये कश्मीरी पुलाव के साथ भी चलता है, चिकन पुलाव के साथ भी रायता चलता, हर पुलाव के साथ ये रायता अच्छा लगता है। इसमें ककड़ी भी डालते, लेकिन अभी ककड़ी नहीं है, गाजर भी डालते, अभी हमारे पास नहीं है गाजर ककड़ी। ये देखो सही हो गया, फर्स्ट क्लास, बराबर दही हो गया। ये देखिए पूरा सूख गया पानी। हाँ अभी इसमें अपन कलर डालेंगे, कलर कैसा खट्टा करके डालेंगे। ऐसा बिरयानी में डालते, ये कोथमीर पुदीना डालेंगे और इसको दम पे रखेंगे। अब ये दम पे 10 मिनट बारीक गैस पे रखेंगे, और इसमें से ऐसा धुआं आने लगेगा ना जब इसको खोलेंगे और आपको बताएंगे। कश्मीरी पुलाव बन के तैयार है, ये देखो एकदम फर्स्ट क्लास, ऐसा धुआं आया, देखो फर्स्ट क्लास एकदम। अभी आपको दिखा रहे, एक एक गाना अलग अलग हुआ है, देखो अभी इसको हम सब कर रहे। कश्मीरी पुलाव बन के तैयार है, ऐसा बनाओ खाओ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर। कांदा फ्राई करके हमने इसके ऊपर डाले, और ये ऐसा रायता इसके साथ खाने का, और ज़रा तेज़ बनाने का रायता, क्योंकि ये फिक्का है तो इसके साथ ये रायता तेज़ अच्छा लगता है, फर्स्ट क्लास।